स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पठित पद्यांश कक्षा 10 क्षितिज काव्य खंड से। यहाँ हम बात करेंगे पद की, सूर के पद। इसमें हमने दो पदों के ऊपर आपके लिए पहले ही MCQ प्रश्न के वीडियो बना रखे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पठित पद्यांश आएगा और 2 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे काव्यखंड से। तो इस तरह से 7 नंबर का MCQ प्रश्न आएगा काव्यखंड से। तो सिलेबस में जो 2021 में दिया गया है उन्हीं के अनुसार हम इन वीडियो को बना रहे हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही हैं। तो MCQ देखते हैं। यहाँ पे तीसरा पद है हमरो हरी हारिल की लकड़ी, इसके MCQ। पहला प्रश्न, उपरोक्त पद में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन जब हम देखेंगे सही आंसर हमें मिलेगा। तो उपरोक्त पद में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? उद्धव को, कृष्ण को, ब्रजवासियों को या गोपियों को? तो सही आंसर है गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है। इसके अन्य पदों के MCQ भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। अगला प्रश्न, सूर के पद के अनुसार हारिल पक्षी की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन में, हारिल पक्षी एक सामने बैठा रहता है, हारिल पक्षी ऊंचा उड़ता रहता है, हारिल पक्षी हमेशा लकड़ी को लेकर उड़ता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए सही आंसर होगा हारिल पक्षी हमेशा लकड़ी को लेकर उड़ता है। अगला प्रश्न, गोपियां रात दिन किसकी रट लगाई रहती हैं? पिता की, कृष्ण की, उद्धव की या उपरोक्त सभी की? तो जब हम पठित पद्यांश को देखेंगे तो गोपियां रात दिन कृष्ण की रट लगाई रहती हैं। उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश गोपियों को कैसे लगता है? कड़वी मूली के समान या तरबूज के समान, कड़वी ककड़ी के समान या गंगा जल के समान? तो सही आंसर है कड़वी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार योग की आवश्यकता कैसे लोगों को है? जो भटकते रहते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनमें कृष्ण के प्रति आस्था नहीं है, जो संत जैसे हैं? तो सही आंसर है जिनका मन स्थिर नहीं रहता उनको योग शिक्षा की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, उद्धव गोपियों के लिए कौन सी व्याधि लेकर आए? भक्ति की, संगीत की, योग की या प्रेम की? तो उद्धव गोपियों के लिए योग की व्याधि लेकर आए, व्याधि यानी रोग। उपरोक्त पद में गोपियों ने किसके बारे में कभी न सुना और न देखा? भक्ति के, योग के, प्रेम के या संगीत के? सही आंसर है योग के। गोपियों ने कभी योग के बारे में न सुना न कभी देखा। मन, कर्म, वचन, नंद, नंदन, इस पंक्ति में नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, ब्रजवासियों के लिए, गोपियों के लिए? सही आंसर है कृष्ण के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे सूर के पद का यहाँ तीसरा पद यहीं समाप्त होता है। इसके MCQ जो मेन थे वो हमने आपको बताए। मिलते हैं अगले पद के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।